आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, थोड़ा फैशन से रिलेटेड बात करने वाली हूँ। तो मैंने मीशो से कुछ प्रोडक्ट खरीदे थे, इवन प्रोडक्ट नहीं, कुछ मैंने ड्रेसेस खरीदे थे, और यकीन माने ये सभी ड्रेसेस इतनी ब्यूटीफुल है ना कि अगर आप इसे पहनते हो ना तो आप उसका जो मटेरियल है वो तो कंफर्टेबल है ही, लेकिन लुक वाइज भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, और प्राइजेस उसके हिसाब से तो बहुत कम है। लेकिन इसे ख़रीदने के बाद आई एम डैम श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बोलोगे कि ये बहुत अच्छा है। तो मैं जो पहले वीडियो बना रही थी उसे थोड़ा सा डिफरेंट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूँ दीपाली और आप देख रहे हो ब्यूटी टिप्स विद दीपाली। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लव योर सेल्फ वेरी डीपली बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, आप अपनी ब्यूटी को इन्हांस करने में जो टिप्स के यूज़ करते हैं वो आपको मोटिवेट तो करता ही है, साथ ही साथ आपको एक नेक्स्ट लेवल तक का चीज़ों को, मतलब आप जो भी चीज़ें, अगर आप अपने आप से प्यार करना शुरू करोगे तो लोग भी आपसे प्यार करेंगे और आपके पैशंस को, आपकी चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। जो सबसे पहला स्टेप है, आप अपने आप से प्यार करें। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या आप अपने फेस में सनस्क्रीन लगाते हैं? मुझे पता है बहुत लोगों का जवाब होगा नहीं, पर आपको पता है अगर सनस्क्रीन ना लगा तो मीशो से मैंने 4 ऐसी चीज़ खरीदी है जो प्राइस तो कम है, जो चीज़ वो प्रोवाइड कर रहा है ना उसके हिसाब से वो प्राइस बहुत ही कम कॉस्ट कर रहा है, और इसका जो लुक भी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जो मैं पहला ड्रेस दिखा रही हूँ, पहला ड्रेस दिखा देती हूँ। ये जो ब्रांड है जयपुर मोरनी, ये इस तरह के पैकेट्स में ये कैरी, इस तरह से वो कपड़े के बैग में हमें देते हैं। तो इसमें जो ड्रेस है मुझे बहुत प्यारा लगा था, ये कॉस्ट मुझे अराउंड 900 के आसपास, मतलब अंडर 1000 ही था। इसका जो भी प्राइस होगा मैं स्क्रीनशॉट आपको मैं मेंशन कर दूंगी। तो पहनने के बाद है ना ये ड्रेस बहुत ज़्यादा प्यारा लगा मुझे, और इवन जैसा उन्होंने दिखाया था ना सेम एज़ इट इज़ मुझे रिसीव हुई है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ पहले दुपट्टे से, और ये प्योर कॉटन है और इसके कलर भी नहीं जाता है, और दुपट्टे की लेंथ भी बहुत अच्छी है। मैंने इसे दो बार पहन भी लिया है और वॉश करने के बाद का ही रिव्यू है ये। तो देखिए इसका ऑलमोस्ट जो दुपट्टा है ना 2.5 मीटर का दुपट्टा मिल जाता है, चौड़ाई और लंबाई दोनों ही अच्छी तरह से दी है। देख रहे हो ये कितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, काफ़ी अच्छा मटेरियल है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और पहनने के बाद वो काफ़ी अच्छा लुक भी देता है एंड कम्फर्टेबल भी बहुत ज़्यादा है। फिर आती हूँ मैं कुर्ते सेट पे। इसका कुर्ता मैं ट्राई एंड हॉल डाल दूँगी, आप उस पर देख लेना कि इसका ओवरऑल लुक कैसा दिखता है। ये मैंने जो मेरी जो साइज़ है वो स्मॉल साइज़ है, तो यहाँ मैंने आपको ऐसे वी नेक मिल जाता है, ये देखो इस तरह से। फिर नीचे तरफ, बस जब नीचे की तरफ आते हैं ना तो आपको इस तरह से छोटे छोटे कलियों को गैदर करके आपको एक बहुत बड़ा सा घेर मिलता है, जो पहनने के बाद बहुत अच्छा लुक देते हैं। 3/4 स्लीव्स आता है, ठीक है, और आपको इस पे ये बॉर्डर मिलता है जो आपको पजामा दिया गया है ना, सेम वही पजामा का बॉर्डर आपको यहाँ हाथ पे मिल जाता है आपके। एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, आपको इस पे ना यहाँ वेस्ट बैंड दे देते हैं, मतलब यहाँ जो कमर पे जो पट्टी है ना, तो यहाँ आपको इस तरह से ये नाड़ा देते हैं। अगर आपको लूज लगता है ना तो आप इसे टाइट कर सकते हो इसे इस तरह से खींचने के बाद, ये देखो इस तरह से, जितना आपको ऐसा लगता है कि आपको कम करना है उतना कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा लुक भी आता है, और आपको जस्ट चेस्ट के जस्ट नीचे इस एरिया पे आपको टाइट करने का, फिटिंग करने का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो ओवरऑल लुक बहुत अच्छा है। एज अ ड्रेस मटेरियल बोलूँ तो प्योर कॉटन है, अकॉर्डिंग टू द प्राइस ये बहुत अच्छा ड्रेस है। इवन आप इसे अच्छे कोई बड़ी सी ब्रांड में जाते हो ना लेने के लिए, अगर मिंत्रा पे भी सर्च करोगे ना आपको 2-2.5 हज़ार से नीचे कतई ही नहीं मिलेगा। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं।
देन इसके बाद मैं पजामे पे आती हूँ, तो जो उन्होंने स्लीव्स पे जो बॉर्डर लगाया था सेम उसी स्लीव्स के बॉर्डर के हिसाब से आपको ये पजामा मिलता है। तो आप देखिए इस तरह से आपको प्लाजो मिलेगा। तो इसे आप वाइट कुर्ती के साथ भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लुक देगा। इसके साथ भी आप यूज़ करोगे ना तो काफ़ी अच्छा है। इसके साथ आपको यहाँ पीछे इलास्टिक मिलता है, ठीक है, और आगे आपको इस तरह से बेल्ट मिलेगा और नाड़ा भी प्रोवाइड करते हैं। अगर उसके बावजूद आपको ऐसा लगे कि ढीला है तो आप इसे टाइट कर सकते हो। तो ये फंक्शनल है, जस्ट ऐसे ही नहीं दिया है, आप इसे अपने साइज से खींच कर कर भी सकते हो। तो ये आपका पहला हुआ जो मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा ड्रेस है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं करोगे कि आपने ये ड्रेस खरीदी और आपको ये अच्छी रिसीव नहीं हुई, ठीक है। फिर मैं दूसरे आती हूँ, सेम ब्रांड की है, जयपुर मोरनी। इसका भी आपको सेम इसी तरह से पैकेजिंग आती है। इवन मेरे को ये इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी कि आपकी ड्रेसेस है ना कभी भी इसमें आप डाल कर रख दो, आपकी ड्रेसेस कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप इसे इस तरह से आप कैरी बैग में, सेम ड्रेस मुझे इसके अंदर रिसीव हुई थी, ठीक है। तो मैं पहले दुपट्टे पर आती हूँ हमेशा की तरह। तो इसका दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी लेंथ दी है, 2.5 मीटर का आपको मिल जाता है। इसकी लंबाई और चौड़ाई भी बहुत अच्छी है, इवन इसका प्रिंट भी बहुत सुंदर है, कलर प्रिंट सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है। इस तरह से देखो आपको यहाँ इस तरह से दुपट्टे का फर्स्ट स्टार्टिंग पे आपको इस तरह से मिल जाएगा, ये आपके पूरे दुपट्टे का प्रिंट है। तो अच्छा खासा आपको लेंथ मिल जाता है। अगर आप इवन दुल्हन हो किसी घर का, अगर आपको पल्लू लेना है तो आप पल्लू भी बहुत अच्छी तरह से ले सकते हो। ती हूँ मैं कुर्ती पे, तो इसकी कुर्ती भी बहुत प्यारी है। अच्छा ये भी आफ्टर वॉश रिव्यू है, मैंने इसे भी 3 से 4 बार पहन लिया है। तो इसका कलर नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाता है। ये भी प्योर कॉटन है, थोड़ा शियर्ड है, लेकिन ये प्रिंट होने की वजह से इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता है। तो आप अगर इसके अंदर इनर नहीं पहनोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है। अच्छा इसके प्रिंट की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इसमें बहुत सारे देखो इस तरह से आपको मल्टीपल कलर के फ्लावर्स मिल जाएंगे जो आपको इस पे प्रिंट हुए रहेंगे, और बहुत अच्छा लगता है। इसकी स्लीव्स भी पे आपको इस तरह का बॉर्डर मिलेगा, इसी तरह का आपका सेम प्लाजो देते हैं। तो इन्होंने इस पे बॉर्डर हैंड पे आपको ये बॉर्डर लगा कर दिया है। फिर इसके बाद ये थोड़ी सी गोटा पट्टी का आपका वर्क दे दिया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर पहनने पे भी बहुत अच्छा था। आज की सबसे बेस्ट फीचर्स क्या है पता है आपको? नेक इसमें बहुत सुंदर मिलता है, वी नेक मुझे बहुत पर्सनली मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि वी नेक आपके नेक को बहुत ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट करता है। अगर किसी का देखो, सभी के शरीर के फंक्शंस अलग अलग होते हैं, उनके अलग अलग मतलब कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, किसी किसी की गर्दन बहुत लंबी होती है, ठीक है, तो उन पे अगर कोई चीज़ डालते हैं ना तो वो बहुत अच्छा हाईलाइट होता है। तो जिसकी नेक, ये नेक एरिया है ना छोटी होती है ना, तो वो वी शेप पहने तो उसका नेक ज़्यादा हाईलाइट होता है, तो उनकी नेक लंबी भी लगती है। तो एक इसका बेस्ट बेनिफिट होता है कि आप वी नेक अगर पहनते हैं तो आपका नेक की जो लंबाई है ना वो अपने आप हाईलाइट हो जाती है और बहुत अच्छी लगती है। आप इस पर जो भी चीज़ें पहनोगे ना तो बहुत सुंदर और बहुत ज़्यादा हाईलाइट होकर आती है। नेक की जो डिज़ाइन मिलती है ये वी नेक मिलती है इस पर। अच्छा आपको नेक पे जो डिज़ाइन दिया है, बॉर्डर दिया है ना, सेम हाँ जो आपका हैंड पे दिया है सेम वो नेक पे मिल जाएगा। इसी तरह का सेम प्लाजो भी मिल जाएगा, तो बहुत अच्छा दिखता है। 3/4 स्लीव्स हैं आपको, कुर्ते की लंबाई का बहुत अच्छी खासी मिल जाती है। इस तरह से देखिए आपको पूरा कुर्ता इस तरह से है, पीछे भी सेम प्रिंट मिल जाएगा, और इसके आगे आपको इस तरह से घुंघरू मिल जाएगी, अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखिए, और इस तरह से आपको ये पूरा नेक डिज़ाइन मिल जाता है। तो बहुत सुंदर दिखता है पहनने के बाद, सीरियसली, लेकिन आप पहनने के बाद जो लुक आपको मिलेगा ना, अगर महंगी महंगी ब्रांड में चले जाओ, सांग्रिया ब्रांड चले जाएं, दूसरी ब्रांड अगर मिंत्रा पे भी अगर आप देखते हो ना, तो 1700 के नीचे ऐसे कोई भी ड्रेस नहीं मिलेगी। लेकिन ये भी मुझे कॉस्ट अराउंड 800 के आसपास किया, इसके हिसाब से आपको बहुत अच्छा ड्रेस है, काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। फिर मैं आती हूँ प्लाजो पे, तो सेम प्लाजो मैंने आपको जो बताया था, सेम प्लाजो, आगे आपको इस तरह से बेल्ट मिल जाएगा,
पीछे इलास्टिक मिल जाएगा। इसमें मैंने जो ऑर्डर किया था ये मीडियम है, क्योंकि उनका स्टार्ट ही मीडियम से हो रहा था इसलिए मैंने मीडियम लिया था। लेकिन इवन कॉटन की ड्रेसेस अगर आप थोड़ी सी लूज़ पहनते हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है और कंफर्टेबल भी फील होता है। तो मैंने इसे ना टाइट कराया ना कुछ, लेकिन अच्छा लगता है। मतलब फिटिंग बहुत ज़्यादा फिटिंग नहीं है, बॉडी फिटिंग नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लुक देता है। तो ढीला ढाला है और ज़्यादा कम्फर्टेबल है, और इसका ऑलरेडी मटेरियल भी कॉटन है। इसमें जो आपको पजामा मिल जाता है ये सेम प्लाजो है, तो आप इसे और भी चीज़ों पे यूज़ कर सकते हो। अगर कोई कुर्ता पे यूज़ करना चाहते हो, येलो कुर्ता पे अगर पहनना चाहते हो, लाइट ग्रीन कुर्ते पे पहनना चाहते हो तो पहन सकते हो। तो ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, मस्ट बाइंग प्रोडक्ट है। मे बी ये आउट ऑफ स्टॉक है, बट इसे विशलिस्ट करके रखिए, क्योंकि ये कभी कभी बीच में आपको स्टॉकिंग करते रहते हैं, ठीक है। तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हो और बड़ी अच्छी प्राइस में मिल जाएगी। तीसरा मैक्सी ड्रेस है, ये भी वी नेक में ही है। इवन मैंने जो दो दिखाए वो दोनों ही वी नेक है, ये भी वी नेक है। मुझे वी नेक एक्चुअली बहुत पसंद आता है। ये है अक्स ब्रांड का, ठीक है। इसकी टैग मैंने ऑलरेडी, मतलब इसे भी मैंने यूज़ कर लिया है और इसे वॉश किया है उसके बाद ही रिव्यू किया। इवन मैंने जितने भी ड्रेसेस दिखाए ना, सब मैंने यूज़ करके वॉश करके ही बताया है, तो उसके बाद की रिव्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ एक मैक्सी ड्रेस दिखा रही हूँ। मैक्सी ड्रेस की जो नेक है वो भी बहुत प्यारी है, वी नेक ही है, लेकिन लुक, मतलब सीरियसली से जब पहन लोगे ना, इसके आगे कोई चीज़ नहीं पसंद आएगी आपको। तो बहुत प्यारी ड्रेस है और बहुत अच्छी ड्रेस है। आप इसकी प्राइस भी ऑलमोस्ट बहुत कम है, ठीक है। आपको ये ड्रेस मिल जाती है, ये है पटोला प्रिंट। पटोला प्रिंट मतलब अगर आप कोई भी ड्रेस में पटोला प्रिंट पहनते हो ना, उसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो ये है एक पटोला प्रिंट का ये ड्रेस मिल जाता है, ठीक है, इस पर जो प्रिंट हुई है। इसके बाद आपको ये नेक मिल जाता है, वी नेक। इसकी वी नेक थोड़ी सी बड़ी है, मतलब आपको यहाँ तक आएगी, लेकिन आप अंदर से इनर पहन लीजिए तो भी चलेगा। अगर आप ऐसे भी कंफर्टेबल है तो भी, इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता, लेकिन चलो ठीक है, एक फ़ैशन के नाते पे ठीक हो जाता है। ये भी प्योर कॉटन में मिल जाता है आपको, कॉटन मतलब यहाँ तक की स्लीव्स मिलती है, ठीक है। तो इस पर आपको इस तरह से ये बॉर्डर मिल जाता है। मैं आपको यहाँ ट्राई ऑन हॉल दे दूँगी, आप इस पर आइडिया लगा सकोगे। यहाँ भी आपको वेस्ट पे इस तरह से धागा मिल जाता है, अगर आपको टाइट करना है तो आप टाइट कर सकते हो। बहुत अच्छी फिटिंग आती है और बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद, बहुत सुंदर लुक देता है। अभी ये भी मे भी ये आउट ऑफ स्टॉक है, पर बीच में आया था और उसके बाद फिर से स्टॉक आउट हो गया। मैंने इसे जो ऑर्डर किया है ये भी एस साइज़ में है और ब्रांड अक्स ब्रांड का है, ठीक है। इसकी जो घेर है ये घेर बहुत प्यारी है, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी ट्राई ऑन हॉल में, वो आपको पता चल जाएगा। और बाद में लास्ट में आपको इस तरह से नीचे पे सेम बॉर्डर मिल जाता है, लेकिन पीछे नहीं मिलेगा, प्लेन आपको सेम पटोला प्रिंट है। अच्छा, एक चीज़ है कि इसे वॉश करने के बाद थोड़ा इसका कलर जा रहा था, तो आप एक काम कर सकते, मुझे नहीं पता था इसका कलर जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे डायरेक्टली वॉश कर दिया था। लेकिन जब आप इसे ख़रीदें तो आप इसे नमक के पानी में भिगाकर थोड़े देर के लिए रख के फिर उसके बाद वॉश करें, तो इसका जो कलर है वो पक्का हो जाएगा। तो उसके बाद आप जब भी धोगे तो इसकी कलर नहीं जाएगी। तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। ये भी मस्ट बाइंग प्रोडक्ट है, इवन आप इसे ख़रीदने के बाद गिल्टी फील नहीं करोगे। तो मैंने जो भी तीन ड्रेसेस बताई है बहुत अच्छी है, कॉटन मटेरियल में है, और जब मैंने इसे पहना था बहुत लोगों ने इसे मुझे अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिए थे। तो मैंने ये ड्रेस तीनों आपको बता दिया, ये बहुत प्यारा है। तो ये तीनों जो मैंने आपको बताया, तीनों ही अंडर 1000 rupees का है, तो आप इस पर अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आपको बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं होगा। बहुत सुंदर ड्रेस है, ठीक है। अब लास्ट ड्रेस, ये इसे पहना ही नहीं है क्योंकि ये मीडियम साइज, ये थोड़ा लार्ज साइज़ का है, तो इसको मैंने, ये भी प्योर कॉटन में है, ये लार्ज साइज़ का है। हमने ये किसी, मतलब मेरी ये दीदी के लिए मंगाया था, तो इसलिए ये इसका ट्राई ऑन हॉल नहीं मिलेगा, लेकिन इसको मैं ओपन करके बता देती हूँ। इसकी प्राइस, मतलब यकीन माने, तीन सेट मिलता है अंडर 500। बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा ना, बट सच्ची बानो बोलो, ये कोड मैं आपको सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाकर वहाँ चेक करना। ये स्टॉकिन है, अगर आपको चाहिए तो आप इसे ख़रीद सकते हो। बहुत सुंदर ड्रेस है, बहुत प्यारा ड्रेस है, मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली। इसे मैं भी अपने साइज़ में ऑर्डर करने वाली हूँ बहुत जल्दी ही। अच्छा, इस तरह से आपको देखो स्लीव्स पे ना, आपको नेक पे राउंड नेक मिल जाता है, ठीक है। आगे से छोटा सा राउंड नेक है, उसके ऊपर
आपको नेक पे इस तरह से आपको डिज़ाइन मिल जाएगा, मतलब ये कपड़ा है इस तरह से आपको लगाया गया, ठीक है, इस तरह से नेक पे आपको डिज़ाइन मिल जाएगा। 3-4 स्लीव्स हैं, 3-4 स्लीव्स के जस्ट कॉर्नर पे सेम आपको ये प्रिंट पे ये बॉर्डर लग मिल जाएगा। पहनने के बाद लुक बहुत प्यारा मिलता है। और इसी तरह से अगर नीचे आया तो स्ट्रेट, ये स्ट्रेट फिटिंग मतलब स्ट्रेट कुर्ता है, ठीक है, आपको ऐसे स्लिट मिल जाएगी दोनों तरफ से। और प्लेन कुर्ता ब्लैक है, जेट ब्लैक है, तो ये बहुत प्यारा कुर्ता है। फिर मैं आती हूँ इसकी पजामा पे, तो ये प्लाजो, हाँ ये प्लाजो टाइप में ही है, ठीक है, पूरा ब्लैक है। और आपको लास्ट में इस तरह से ये बॉर्डर मिल जाएगा जो आपको हैंड पे दिया था ना, सेम बॉर्डर आपको इस पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ आपको ये पूरा, और जो कमर है ये इलास्टिक मिल जाएगी इस तरह से। तो ये आपका हो गया पिजामा। और इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है और इसका कलर भी बहुत प्यारा है, इवन आप इसे दूसरे भी ड्रेसेस पे यूज कर सकते हो। तो इसमें ऑरेंज एंड पिंक और गोल्डन, ये 3 शेड से आपको बनाया है। दुपट्टे की लेंथ भी बहुत अच्छी खासी दे रखी है, 2.5 मीटर का आपको दुपट्टा मिल जाता है। और इस तरह से आपको ये दुपट्टा मिलता है, देखिए। इमेजेस डाल दूंगी, जैसा इमेजेस पे दिखाया है सेम एज इट इज उन्होंने दिया है। और उन्होंने मुझे अराउंड कॉस्ट किया है 470 के आसपास का किया है। स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, आपको इससे आइडिया हो जाएगा। ये चारों ड्रेस मस्ट बाइंग प्रोडक्ट है। कोई भी ऐसा बोलूँ कि सबसे बेस्ट कौन सा है, तो सभी बेस्ट है, बहुत प्यारे हैं। अगर आप ऐसे कलेक्शन रखते हो ना अपने ड्रॉर में, अपने अपने ऐसे कलेक्शन अगर आप अपने पास वार्डरोब में रखते हो ना, तो इवन आप कभी भी कोई भी चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैं कौन सा पहन के जाऊँ, कभी भी कौन से भी फंक्शन में पहन के जाओ, सभी बेस्ट लगेंगे। ये मैंने 4 ड्रेस दिखा दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये मेरा पहला वीडियो है ड्रेसेस से रिलेटेड, वरना मैं हमेशा ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड ही वीडियोस बनाती हूँ। तो आप उस वीडियोस को भी चेकआउट करिएगा, आपके ब्यूटीज़ को बढ़ाने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे टिप्स मैंने आपको शेयर किए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप इसे यूज़ करके एक बार चेक करना, डेफिनेटली आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एंड जो मैंने आपको ड्रेसेस दिखाए, ये मैंने खरीदे थे तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लें, काफ़ी आप अच्छा रिव्यू, इसके रिव्यू भी बहुत अच्छे हैं और मैंने पर्सनली यूज़ किए हैं, तो इसका जो मेरा कंफर्टेबल जोन है ना, मेरा बहुत अच्छा रहा है, मेरी एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छी रही है, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको ये अच्छी लगेगी तो आप इसे बाय कर सकते हो, कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से कोड आपको सर्च करना है मीशो पे। और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, लव योर सेल्फ।